आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास की निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक मानी जाती है। हालांकि आईपीएल 2020 में सीएसके का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और इतिहास में पहली बार वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी, मगर इस साल येलो ब्रिगेड एक बार फिर अपने रंग में नजर आ रही है और आईपीएल की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को मौजूदा सीजन का अपना पांचवा मैच खेला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 69 रन से मात दे दी। इसी के साथ सीएसके ने आरसीबी का अजय रथ भी तोड़ दिया। 28 गेंदों में नाबाद 62 रन की तूफानी पारी खेलने वाले रविंद्र जडेजा ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया और विकेट के पीछे से उन्हें एमएस धोनी की महत्वपूर्ण सलाह भी मिलती रही। जब आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर थे तब धोनी ने जडेजा से कहा, डंडे पर रख, मारने दे। जडेजा ने अपने कप्तान की बात मानी और मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जडेजा ने इसके बाद एबी डिविलियर्स को क्लीन बोल्ड किया। जडेजा की गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से टर्न हुई और एबीडी का विकेट ले उड़ी। जब नए बल्लेबाज हर्षल पटेल क्रीज पर आ रहे थे तो धोनी ने जडेजा से कहा, हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ। धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। याद दिला दें कि रविंद्र जडेजा ने हर्षल पटेल के ओवर में ही 37 रन बनाए थे। कप्तान एमएस धोनी अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने हर्षल पटेल के आने पर जडेजा के मजे लेने के लिए ऐसा कहा था, जो तेजी से सोशल मीडिया पर फैंस वायरल कर रहे हैं। आईपीएल से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।